बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। पटना आई जी आई एम एस के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार की शाम एमएच नगर थाना के हसनपुरा निवासी व मृतक नसीब कुरैशी के पीड़ित परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाते हुए सांत्वना दी। कहा कि मृतक की बेटी की शादी में 25,000 की आर्थिक मदद करेंगे। जब बेटी की शादी होगी तो मेरी पार्टी और मदद करेगी। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए हिंदुस्तान में दो तरह की राजनीति शुरू होती है, लोगों को गुमराह कर सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है, वहीं जब चुनाव आता है तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी जातिवाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। हम 80 के दशक में चुनावी मैदान में हैं, तब से कभी माओवादी तो नक्सल, कभी माफिया तो कभी सिस्टम देखते आ रहे हैं। नीतीश जी से किसको किसको खतरा हो गया, सबको सुरक्षा मिल गया। वहीं केंद्र सरकार यूपी में जिसका काउंटर हुआ चौधरी था, जिसे मुस्लिम बताकर मार दिया गया। एक जाति होनी चाहिए जिसमें कोई क्रिमिनल ना हो। गौर मतलब हो कि हसनपुरा नसीब कुरैशी को बीते 7 मार्च को प्रतिबंधित मांस के शक में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। मौके पर राजद नेता हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान, प्रमुख प्रतिनिधि नहीं नोमान अहमद उर्फ कक्कू, मुर्शीद खान, नजरे इमाम, शारिक इमाम, जावेद खान, जे आर खान, अकबर हकीम आदि रहे। न्यूज जनतक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। हरियाणा के लोगों को, दो लोगों को मारते मारते मोमलिंचिंग में मार दिया, कोई गया अभी तक? कितने बेरहमी से मारा है हरियाणा के दोनों जुबेर और क्या नाम है हम भूल गए, नासिर को, आज तक, आज के दिन तक गए हैं। आज उसका तो बलि का बकरा सिर्फ कुछ दिन के बाद चुनाव है इसलिए चढ़ा दिया गया। कभी अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के पक्ष में बात किया, कभी एनआरसी में गए, जला दिया वहां गए, जेल से सब छूट गए, चुनाव लड़ने वहां गए, कभी युवराज एनआरसी में गए, कभी बात किए, इनको लगता है कि मुसलमान की बात करोगे तो हिंदू वोटर भाग जाएगा, इनको यह लगता है। इन यह नेता लोग डिप्लोमेटिक हो चुके हैं, ये वोट फाइनल है, बीजेपी को हराना है इनको, ये वोट आना ही आना है, ये तय किए हुए, इसलिए ये लोग दलितों की बात कम करते हैं, माइनोरिटीज की बात कम करते हैं और मिडिल क्लास की बात ये लोग कम करते हैं। आप उठा के देख लेना कौन बात करता है दलितों की इस कंट्री में, आप उठाओ तो। एक मामला बिहार में बड़ा जोरों से चल रहा है कि पतंडू की सच्चाई। सर देखिए मैं एक बात बता दूं, चौड़ी नहीं है कि वो सच्चाई दिखा रहा है कि क्या, पत्रकारों को भी अपने आचरण और चरित्र में बदलाव लाना पड़ा। सर वो किसी को मां बहन गाली दे देते हैं, किसी धर्म को गाली दे देते हैं, किसी मजहब को गाली दे देते हैं, किसी जाति को गाली दे देते हैं, क्या ये राइट है पत्रकार को किसी कुरान शरीफ साहब के बारे में, रामायण के बारे में, राजपूत के बारे में, भूमिहार के बारे में, बावन के बारे में गड़ियाने का, क्या ये राइट है पत्रकार को बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का, क्या ये राइट है पत्रकार को सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने का, क्या ये राइट है पत्रकार को सिर्फ दलित को? मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी को मानने वाले नीतीश कुमार बीजेपी के तरह काम नहीं कर सकते। तेजस्वी जी को अपनी बात ऊपर रखना है तो उनको जो मन में आता है कभी कभी करते हैं। मैं किसी भी पत्रकार के खिलाफ, यदि वो गलत है तो साइबर में जाइए, साइबर में कोर्ट में जाइए, उसको थाना के द्वारा दंडित करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसे पत्रकार जिसके कारण पत्रकारों की छवि, लेकिन ऐसे पत्रकार जिसके कारण पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है, हमको मध्य प्रदेश से फोन किया, पैर पकड़ते हैं, ऐसे आदमी के बारे में आप मत बोलो। लेकिन हमने कहा गलत हुआ है तो बोलेंगे। मैं उनके तरीके पर मेरा सवाल है, उनका तरीका बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जिस मुद्दे पर
बात हुई है, उसके पहले तो नेता लोगों ने भी ट्वीट किया। मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु के दो नेता बिहारियों को भगाने के लिए लगातार स्पीच दिए, वीडियो दिया गया है, क्लियर है, उस पर क्या जवाब है? और यदि गलत लगता है तो सीबीआई इंक्वायरी करा ले, इनके हाथ में है, सीएम साहब लिख दे। बिहारी एक जगह मारा गया, मणिपुर में गए हम पर 22 बम मारा, गुजरात गए हमको मारने का प्रयास हुआ रात के 1 बजे, जब पूरे बिहारी को पीटा जा रहा था। महाराष्ट्र गए वहां भी मारने का प्रयास हुआ, बिहारी कब से पीटा जा रहा है, पहली घटना है क्या? ये तो समग्र घटना है। तो इतनी हिम्मत है तो फैक्ट्री चला लो बिहार में, फूड प्रोसेसिंग का 30 चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, दालचीनी मिल, सिल्क मिल चला लो, है हिम्मत तो पलायन रोक लो। लाए तो थे सबको कोरोना में, हम एक एक लोगों को कोरोना में हम लाए बिहार, क्यों चला गया बिहारी फिर? क्योंकि यहां बीबी बाल बच्चे तरफ के भूख से मर जाते, मार दिया था ना बिहारी को कोरोना में, बिजली पानी बंद कर दिया था ना दिल्ली में सब जगह, रोडों पर एक एक लोगों को 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट दिए हम, बाय अकाउंट तब लाए। सर ये रसूलपुर में जो घटना हुई, वहाँ के स्थानीय जो छोट भैया नेता लोग हैं, उन लोगों ने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया, प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढूंढ मिल रही है। बेफिक्र रहिए रसूलपुर वाली घटना पर, छोट भैया नेतों की बाप की औकात नहीं है कि इस घटने को दबा ले। सब एक तरफ, पप्पू यादव एक तरफ, जहाँ सारा रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। इस बिहार में ताकतवर आदमी ये बात भूल जाए, उसको सीएम भी मदद करेगा तब भी पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर जिस स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए, 3 लोगों की गिरफ्तार, सर मैं आया हूँ ना, पूर्ति की जा रही है, मैं आया हूँ ना, मैं डिटेल लेता हूँ, सीएम को चिट्ठी भी लिखूंगा और डायरेक्ट इस केस की मॉनिटरिंग डीआईजी और एसपी से हम खुद करेंगे। अब बेफिक्र,